हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस टुडे वी डिस्कस सम एमसीक्यूज ऑफ सस्पेंशन स्टार्ट ओके आर एट क्वेश्चंस पहले आप खुद इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फिर मैं इनके आंसर्स आपको बताती हूँ ओके okay. पहला क्वेश्चन है पार्टिकल साइज रेंज ऑफ सस्पेंशन यानी कि जो पार्टिकल साइज़ है सस्पेंशन की वो किस रेंज में होती है अपने पास तीन ऑप्शंस हैं अपन देखते हैं पहला ऑप्शन है पॉइंट वन से हंड्रेड माइक्रोमीटर दूसरा है वन टू फाइव माइक्रोमीटर सी है पॉइंट फाइव से फाइव माइक्रोमीटर एंड इज नन ऑफ द अबव अगर आप ए ऑप्शन को ढंग से देखें तो आपको पता है कि पॉइंट वन से हंड्रेड माइक्रोमीटर तो किसकी पार्टिकल साइज रेंज है इमल्शन की वन से फाइव की बात करें तो दे आर लिटल बिगर पार्टिकल्स सी की बात करें तो पॉइंट फाइव से फाइव माइक्रोमीटर तो आंसर क्या होगा अपना सस्पेंशन का सस्पेंशन की पार्टिकल साइज रेंज होती है पॉइंट फाइव से फाइव माइक्रोमीटर तो आंसर है सी क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड इज सबसे पहले डिफ्यूजल की डेफिनेशन याद करें कि डिफ्यूजल की डेफिनेशन क्या थी कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल जो सॉलवेंट के अंदर या फिर व्हीकल के अंदर अच्छे से डिफ्यूज हो जाते हैं उन्हें अपन डिफ्यूजिबल सॉलिड्स कह रहे थे अगर आप याद करें काफ़ी सारे एग्जांपल थे वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रूहाब मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ट्राई और ऑप्शन की अगर आप देखें तो सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे वो सबके सब ऑप्शन सब में है कैल्शियम कार्बोनेट भी है रूहाब भी है मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है तो आंसर क्या होगा इसका डी ऑल ऑफ द अबव अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन दोनों ही जीप्ट के अंदर आ रखे हैं यानी कि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सही हैं। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें अपन एग्जाम्पल इंटरनली यूज इनडिफ्यूजिबल सॉलिड यानी कि इनडिफ्यूजिबल सॉलिड जो कि इंटरनली यूज किए जाते हैं जो अपन खा सकते हैं उसका एग्जाम्पल है इनडिफ्यूजिबल की है इन बात, इन बात कर रहे हैं यानी कि पार्टिकल हैं जो डिस्पर्ज नहीं हो पाएंगे इनडिफ्यूजिबल ही रहेंगे इंटरनली की बात कर रहे हैं यानी कि अपन वो खा पा रहे हैं एग्जाम्पल देखें कैलामाइन नहीं कैलामाइन तो अपन टॉपिकली यूज़ करते हैं सल्फर प्रसिप्टेड भी अपन टॉपिकली यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड का भी टॉपिकली यूज़ ज़्यादा है और तीसरा रहा एस्प्रिन एस्प्रिन एक ड्रग है जो कि फीवर रिड्यूसिंग के लिए काम आती है तो आंसर क्या होगा सी एस्प्रिन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज अनदर नेम ऑफ अकेशिया सबसे पहले अकेशिया की बात करें ये आया कहां से तो अपने को पता है कि इट इज अ प्लांट एक्सिड्यू यानी कि किसी प्लांट से आया था प्लांट का ओरिजिनल सोर्स क्या था अकेशिया सेनेगल यानी कि सी आंसर तो सही होगा अकेशिया सेनेगल को इंडियन गम भी बोलते हैं और अगर, अगर अपन बात करें अकेशिया की तो एक से ज्यादा सोर्स भी हो सकते हैं तो अकेशिया सेनेगल के साथ साथ वो अकेशिया गैम्बियर से भी आता है और ऑप्शन बी है गम गैम्बियर तो आंसर इसका होगा डी ऑल ऑफ द अबाव यानी कि तीनों ही अकेशा के दूसरे नाम हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंपाउंड ट्रैगा इज मिक्सचर ऑफ एक्सेप्ट यानी कि जो कंपाउंड ट्रेगा है जिसमें क्या क्या डलता है उनमें से कौन सी चीज़ इन ट्रैगा के अंदर मिक्स नहीं होती वो बतानी है अपने को अगर अपन कंपाउंड ट्रेगाग्रंथ को याद करें तो कंपाउंड ट्रेगागंथ के अंदर चार चीजें ऐड थी कौन कौन स्टार्च ट्रेगा गेंथ अकेशन सुक्रोज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक्सेप्ट कौन सी चीज ऐड नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा डी बेंटोनाइट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एवी इज ब्रांड नेम ऑफ यहाँ पे चार एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एवी के नाम से भी जाना जाता है ऑप्शन की बात करें एम सी सी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोस पी वी पी पॉलीविनाइल पायरोन पी वी ए पॉलीविनाइल एल्कोहल एच पी एमसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स जीपेट के अंदर आ रखा है इसका आंसर होगा ए माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को एविसेल भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर सात है यूनिवर्सल इमर्सीफायर इज इनमें से यूनिवर्सल इमर्सीफायर किसे कहते हैं तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ध्यान आ रहा है कि ये सारे के सारे ऑप्शन किसके हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स के हैं सस्पेंडिंग है। एजेंट्स में अपने तीन कैटेगरी पढ़ी थी नेचुरल पॉलीसेक्राइड्स इनोगनी एंड क्ले तो अगर आप इनोगनी के अंदर याद करें तो इनोगनी के अंदर एग्जाम्पल थे बेंटोनाइट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो वहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोवन एज यूनिवर्सल इमलसी फायर यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्वेश्चन नंबर एट है इफ यू गेट यूनिफॉर्म सस्पेंशन आफ्टर फोर साइकिल देन द री डिस्पर्सिबिलिटी विल बी यानी कि जब आपने फोर साइकिल थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेशन पे किए तब आपको जो सस्पेंशन है पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मिल गया यानी कि जो बॉटम थी वो पूरी की पूरी क्लियर थी तो री डिस्पर्सिबिलिटी कितनी थी होगी तो अपन ने सीखा था कि एक साइकिल इक्वल्स टू फाइव परसेंट यानी कि चार साइकिल लग चुके हैं चार साइकिल यानी कि फोर इन टू फाइव यानी कि ट्वेंटी परसेंट अगर ट्वेंटी परसेंट रिमूव हो चुका है डिस्पर्सिबिलिटी में तो बचा कितना हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एटी परसेंट तो आंसर क्या हो जाएगा इसका एटी परसेंट इज द डिस्पर्सिबिलिटी नंबर आई होप आपके आठ के आठ क्वेश्चन सही होंगे चलो अपन कुछ क्वेश्चन ऑल सॉल्व करते हैं ओके देन दीज आर द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन अब अपन और कुछ क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज सस्पेंडिंग एजेंट इन पेनटल्स यानी कि इनमें से कौन सा सस्पेंडिंग एजेंट है जो कि पेंटल्स में यूज होता है ऑप्शनस हैं जिलेटिन पैक्टिन बोथ एन बी एन नन ऑफ द अबाव तो जिलेटिन एंड पैक्टिन दोनों ही पेंटल्स के अंदर एज ए सस्पेंडिंग एजेंट यूज होते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है सस्पेंडेड पार्टिकल बिकम फ्लक्कुलेटेड इन सस्पेंशन बिकॉज यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो सस्पेंशन के अंदर फ्लो क्यों करते हैं उसका रीज़न बता पूछा है तो ऑप्शन है क्योंकि पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक होते हैं दूसरा है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तीसरा है रिपल्सिव फोर्स लगता है लास्ट है नन ऑफ द अबव तो अगर आपको याद हो कि सस्पेंशन दो तरीके के होते हैं एक है फ्लॉकुलेटेड और दूसरा है डीफ्लॉकुलेटेड अब फोर्स तो दोनों में दोनों ही लगते हैं अट्रैक्टिव भी लगता है और रिपल्सिव भी लगता है बट प्रोमोटिव कौन सा है ज़्यादा कौन लगता है उसके आधार पर सिस्टम है जो फ्लॉकुलेटेड एंड डी में कन्वर्ट होते हैं तो so सपोज कि जो फोर्स है वो रिपल्सिव ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होंगे बट जो बीच में स्पेस होगी वहाँ पर जो छोटे पार्टिकल हैं वो जाकर इकट्ठे हो जाएंगे और क्या होगा उसको एक टाइट सिस्टम क्रिएट कर देगा और एक हार्ड के बना देगा वही अगर मैं कहूँ कि अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन होने में एक इक्वल अट्रैक्शन सब पार्टिकल एक दूसरे पे फेस करेंगे और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिससे क्या होगा सिस्टम है जो फ्लक्कुलेटर की तरफ मूव करेगा तो वापस क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं फ्लोक्यूलेटेड तो इसका आंसर क्या होगा बी अट्रैक्टिव फोर्सेज क्वेश्चन इलेवन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बायो एवेलेबिलिटी यानी कि इन चारों ड्रग में से कौन सी सबसे पहले बायो एवेलेबिलिटी रीच करेगी यानी कि सबसे पहले अपनी की सर्कुलेशन में कौन पहुंचेगी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल कहूं कि भाई टैबलेट ली है टैबलेट अपनी या फिर पैरासिटामोल ड्रग ली है उसको मैंने आपको सस्पेंशन के रूप में दिया सॉल्यूशन के रूप में दिया कैप्सूल के रूप में दिया और टैबलेट के रूप में दिया आपकी बॉडी में सबसे पहले असर कौन करेगी आपका आंसर यही होगा कि ऑफकोर्स वही जो सबसे पहले डिजोल्व होकर या डिस इंटीग्रेट होके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पहुंच जाए तब वो सबसे कम समय कौन लगाएगी देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपन कैप्सूल की कैप्सूल अगर अपन लें तो क्या होगा जिलेटिन शेल रिमूव होगी फिर जाके ड्रग रिलीज होगी डिजोल्व होगी और फिर एक्शन प्रोड्यूस करेगी टैबलेट की बात करें तो टैबलेट में भी ड्रग है जो डिसइंटीग्रेट होगी फिर डिजोल्व होगी फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रिलीज होगी सस्पेंशन की बात करें तो पार्टिकल्स अगेन हैं तो वो एक कंडीशन को मेंटेन करेंगे डिजोल्व होंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रीच करेंगे बट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा वो होमोजनीस होगा यानी कि उसमें डिस डिजोल्यूशन और डिसइंटिग्रेशन वाली प्रोसेस नहीं है वो ऑलरेडी वहां तक पहुँच चुका है यानी कि सीधा सीधा आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँच जाएगा यानी कि पहला तो क्या हुआ सोल्यूशन फिर सस्पेंशन फिर टैबलेट और लास्ट में कैप्सूल तो आंसर हुआ आपका सी सॉल्यूशन सस्पेंशन टैबलेट और कैप्सूल कहीं कहीं आपको टैबलेट बाद में देखने को मिलेगा कैप्सूल से बट वहाँ पर टैबलेट के साथ कंप्रेस्ड वर्ड आएगा यानी कि इट इज़ कंप्रेस टैबलेट इसको ब्रेक डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द कैप्सूल ये आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सेडिमेंटेशन यानी कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो पार्टिकल का सेडिमेंटेशन पे क्या इफेक्ट डालती है तो अपने को पता है कि ब्राउनियन मूवमेंट उन पार्टिकल्स में होती है जो पार्टिकल साइज में बहुत छोटे होते हैं और ये अगेंस्ट चलती है ग्रेविटी के तो अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेगी तो सेडिमेंटेशन को ऑब्वियस से है रुकेगी तो आंसर क्या होगा इट प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन फिर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेटिंग एबिलिटी ऑफ व्हीकल इज डिटेक्टेड बाय यानी कि कोई भी व्हीकल है उसकी वेटिंग एबिलिटी अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इसका आंसर होता है ए कॉन्टैक्ट एंगल अब कॉन्टैक्ट एंगल क्या है कॉन्टैक्ट एंगल एक इंटरफेस है गैस मीडियम और उस पर्टिकुलर लिक्विड के बीच में बनने वाली वो जितना ज़्यादा सही होता है आपका सिस्टम उतना ही जल्दी वेट होता है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं डिजोल्व होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज इन सस्पेंशन द डिस्पर्स फेजेज अब सस्पेंशन क्या है ऑब्वियस है बाईफेज एक डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर एक डिस्पर्स फेज होगी और एक डिस्पर्शन मीडियम होगा तो इसमें डिस्पर्स फेज कौन है ऑप्शन देखते हैं इनसॉलिबल सॉलिड्स गैस वैक्स एंड ऑयल ऑब्वियस है क्या है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं आंसर होगा आपका ए इंसॉलिबल सॉलिड लास्ट क्वेश्चन है आपका सस्पेंशन इज एग्जाम्पल ऑफ कॉलोडल हिट्रोजीनियस होमोजीनियस एंड नन ऑफ द बाओ इनमें से कौन सा है जो कि सस्पेंशन है सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन दो फेजेस से मिलकर बना होता है तो आंसर क्या होगा हिट्रोजीनियस मोर देन टू फेजेस आई होप आपके सारे के सारे आंसर सही होंगे लेट चेक दीज आर द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय द वीडियो थैंक यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब